अगर कर्नाटक में आ रहे तो मैसूर में रुकना तो बनता है। हम शूट करने आए थे इंडियन हेरिटेज सागा, अभी यहाँ पर इंडियन फूड सागा होने वाला है। टीपू सुल्तान एशिया के पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने रॉकेट्स बनाए। नमस्कार बेंगलुरु, हे गिद्रा इल्लारु, हेलो नमस्कार गोला बरहवा, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। तो सुबह की शुरुआत जैसे होती है ब्रेकफास्ट से हुई। थैंक यू। चाबी आपको दे देंगे? हाँ है, चाबी है। वेल, सीट बेल्ट भी जरूरी है। तो आज का हमारा प्लान था ऊटी जाने का, क्योंकि निकलते एक बज चुके हैं तो ऊटी कैंसिल। अब हम रुकेंगे मैसूरू में। अगर कर्नाटक में आ रहे हैं तो मैसूरू में रुकना तो बनता है। मैसूरू में रुकना इसीलिए बनता है बिकॉज कर्नाटक का पहले स्टेट ऑफ मैसूरू हुआ करता था, और मैसूरू पहुंचने के लिए हमें पहले बैंगलोर की ट्रैफिक क्लियर करनी पड़ेगी। गाढ़ा गाढ़ा लाल लाल, और यहाँ पर जो पब्लिक चलाती है ना, एकदम चुम्मा लेके चलाती है, मतलब ऐसे फ्लाइंग किस, कभी भी तुम्हें चुम्मा मिल सकता है गाड़ी में। इसीलिए मैंने आर्या को दिया नहीं। आर्या का गाड़ी चलाना जरूरी है क्योंकि उसके लिए उसका हाथ बैठना भी जरूरी है। इसीलिए क्योंकि आगे चल के कुछ हमारा ऐसे प्लान है जिसमें ये पूरी गाड़ी आर्या की हो जाएगी, एक दिन के लिए पूरी जिम्मेदारी उसकी हो जाएगी एक दिन के लिए। कहानी में जुड़े रहे, धीरे धीरे आपको सब पता चलेगा। पुल करना है, पुल डीजल ब्रेक। ये कौन से पक्षी ने हगा है यहाँ पर भी? कौन सा पक्षी है जो ऐसे खा के लाल लाल हगता है? क्या खाया था इसने? 4,399.27 50 लीटर डीजल। पीछे ना बादल है, घने घने काले काले बादल, और ये थोड़ा ब्राइट है, एकदम ऐसा 3D वाला लुक आ रहा है, अच्छा दिख रहा है काफी। नाइस, ऐसा है बताए, इसी जगह में बारिश हो रही है, हम लोग थोड़ा आगे निकलो बारिश खत्म हो जाएगी। यहाँ खत्म में बारिश नहीं है, यहाँ पर आगे बारिश नहीं है, यहाँ बारिश नहीं कम है। ये कैसी बारिश है, कुदरत का खेल माशाल्लाह। इधर थोड़ी हल्की है, उधर तो बादल फट रहे थे, अरे फिर से आ गया। ओ मौसम ने जो अपना रुख बदला है, क्या कहें, बदला क्या बोला है भाई, क्या बोला है, मौसम ने जो अपना रुख बदला है, और फरमाइएगा, मौसम ने जो अपना रुख बदला है, देख के बदला लेने का मन कर रहा है। ओहो हो, क्या शायर, लाइफ में ऐसा मैंने नहीं सुना है ना, वर्ल्ड क्वालिटी, टॉप नॉच। ओके जी, पहला खाने का ब्रेक, और क्या है कि चावल खाका के, बिरयानी खाका के थोड़ा थक से गए थे, तो थोड़ा कुछ अलग ट्राई करने के लिए, अलग नहीं मतलब जो मुंबई में हम ट्राई करते थे, मैकडॉनल्ड। चाबी कूटे आहे, ए चाबी। सबसे पहले तो सुस, उसके बाद बाकी कहानी। इसके नाक के बाल बाहर निकल रहे। हाय, ऐसे कथकली स्टाइल में। कम, वेरी गुड। तू तेरी जुबान कभी कभार मैकडॉनल्ड KFC भी खा लेना चाहिए। ये ऐसा टिप्पणी कौन देता है कि जंक फूड खाना चाहिए? नहीं, कभी कभार बोला ना मैंने, हम बिरयानी तो दवा ही रहे हैं, जो भी है खा लेते हैं भाई, बिस्मिल्लाह करते हैं। अब गाड़ी चलाएगा अपना भिड़ू आर्या। चल ब्रो, कोल्ड ड्रिंक। सीट बहुत आगे नहीं है, आगे कहाँ है? चलो भाई, जर्नी कंटिन्यू कीजिए। ना, I hate cold drinks। सी कबाब के साथ होता है ना, एक सीप होता है वो, इसमें शुगर कंटेंट बहुत होता है।
अब क्या है कि आर्या गाड़ी चला रहा है तो मेरे पास फुर्सत है कि मैं आसपास के नज़ारे देख सकता हूँ। और हमारा हिंदुस्तान कितना खूबसूरत है यार, और कितना डाइवर्स है। ऐसे रास्ते में चलते चलते मेरे को मंदिर दिखे, मस्जिद दिखे, चर्च दिखा, कितना ही देख के अच्छा लग रहा है कि हम लोग इतने अलग होने के बाद भी, इतने अलग हमारी भाषा, कल्चर, रिलीजन होने के बाद भी हम एक साथ में रहते हैं यहाँ पर। सोचो अगर एक रिलीजन होता या एक भाषा होती तो कितना ही बोर होता, क्या ही हम यू नो एक्सप्लोर करते, सब जगह सेम ही सेम देखने मिलता। लेकिन जैसे हम महाराष्ट्र से बाहर निकले कर्नाटक, वहाँ पर अलग चीज़ें दिख रही है, अभी हम कहीं और जाएंगे तो वहाँ पर अलग। तो ऐसे ही मन में ख्याल आता था, सोचा शेयर कर दूँ, इसलिए शेयर। अरे चावी किधर गई गाड़ी की? बैंगलोर मीटअप में हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने हमें रिक्वेस्ट किया था कि जब आप मैसूर की तरफ जाओगे तो एक बार टीपू सुल्तान के गुंबज में जरूर जाना, इसीलिए हम आ चुके हैं जी गुंबज के पास, श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम जगह का नाम है ना? हाँ। तूने बोला था मंड्या, मंड्या डिस्ट्रिक्ट है उधर। हाँ हाँ हाँ। जी गुंबज हम देख रहे थे, आसपास की जगह एक्सप्लोर कर रहे थे, काफी बड़ा बनाया इन्होंने। यार मुझे भी कुछ ऐसा करना है, सारे परिवार वाले टीपू सुल्तान के, सब सबका मकबरा यहाँ पर है। ये जो है, ये टीपू सुल्तान के जो डैडी थे, ये उनके परिवार वाले सारे कब्र जो है यहाँ पर है, और जो टीपू सुल्तान की फैमिली से थे वो सारे कब्र यहाँ पर है। इसके अंदर ये जो आप टाइगर के चादर में देख रहे हैं, ये है टीपू सुल्तान, उनके बाजू में उनके पिताजी और उनके बाजू में फिर उनके माताजी। ये पत्थर है, बाहर का पत्थर है, ईरान का है, वो टाइम में 10,000 रुपए एक पिल्लर, अब एक को 2,00,000 रुपए, और बाप और बेटा दो भी मिलके 36 साल राज किए, 36 पे लगा गया। मतलब ये जो बनाया गया था, ये टीपू सुल्तान ने बनाया था, ये टीपू सुल्तान ने बनवाया था। तो ये जो आर्किटेक्चर है, ये इंडियन पोर्शन है, पर्टिकुलरली खुद ही प्लान किया था, जहाँ पे बीच में मकबरा था और उसके अराउंड पूरा गार्डन, वहाँ के फ्लावर्स उसने खुद से हैंड सेलेक्ट करके लगाए थे। रिकंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर हुए होंगे ना? हाँ, जैसे ये फ्लोरिंग आई डोंट थिंक कब की है, ये तो अभी के लग रही है। लेकिन हाँ, इसका डिजाइन ऐसा था कि ये थोड़ा सा रेज्ड प्लेटफॉर्म पे था, तो ऐसे ऊपर आकर इसे विजिट कर सकते थे। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूरू भी कहते हैं, तो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में इनके काफी नाम है। अंग्रेजों के साथ जब लड़ाई हुई थी ना, तो अंग्रेजों को हराने के लिए काफी प्रसिद्ध थे। टीपू सुल्तान एशिया के पहले ऐसे इंसान थे, पहले ऐसे किंग होंगे जिन्होंने रॉकेट्स बनाए, प्रॉपर रॉकेट्स बनाए, और वो रॉकेट्स के माध्यम से ही वो यू नो अंग्रेजों से लड़ाई जीते थे। और अंग्रेजों से लड़ाई जीतने का एक रीज़न और था इनका, कि इनका जो भी जो सैनिक होते थे, जिनको सिखाया जाता था, वो फ्रेंच लोग इनकी हेल्प करते थे। हमारा हिस्ट्री चैनल तो नहीं है, लेकिन हम जब आपको थोड़ा भी कुछ कहते हैं ना, तो हम पूरा रिसर्च करते हैं। जब रिसर्च हम कर रहे थे, तो मतलब अंग्रेज़ों को इतने टाइम तक होल्ड करके रखना भी अपने आप में बड़ी बात है ना। और ये जब लड़ाई हारे थे ना, तभी इन्होंने अपनी वीरगति प्राप्त की थी, और जो लड़ाई हारे थे, सिर्फ अंग्रेज मिलके इनको हरा नहीं पाए थे। अलायंस बनाई गई थी, अंग्रेज थे, मराठा थे, निज़ाम्स थे, ये तीनों ने मिलके अलायंस बनाई थी, तब जाके ये हारे थे। सोचो, ऐसे ही नहीं इन्हें टाइगर ऑफ मैसूर कहते हैं। चप्पल किधर है? मेरा व्हाइट चप्पल के ऊपर है, तुझे अपना चप्पल रखना था क्या? और तूने इसे चप्पल में इसे चप्पल उठा के फेंक दिया, और अब लात भी मार रहा है। चप्पल तो लातों में होती है ना, लात मारने में कितनी बड़ी बात। देख के हो गया, अभी हम जा रहे हैं। और जाते जाते मन में फिर से एक ख्याल आया कि हिंदुस्तान में ना काफ़ी रूलर्स आए, मतलब काफ़ी किंगडम आए,
काफी लोगों ने राज किया, पोर्चुगीज लोगों ने रूल किया, ब्रिटिशर्स ने रूल किया, काफी सारे हिंदू रूलर थे, काफी सारे मुस्लिम रूलर थे। और पहले मुझे ऐसा लगता था कि जितने भी मुस्लिम रूलर हैं वो सारे मुगल्स हैं। और जब इंडियन हेरिटेज सागा ट्रिप हम तैयार कर रहे थे अपना, तो सारी रिसर्च में हमें पता चला कि सिर्फ मुगल्स ही मुस्लिम रूलर नहीं थे। टीपू सुल्तान की सल्तनत थी, हैदराबाद में निज़ाम ऑफ हैदराबाद, बहामी सल्तनत, डेक्कन सल्तनत, तो ये सब अलग थे। और जितने भी पास्ट में लड़ाई हुई है वो लड़ाई रिलीजन के बेसिस पे नहीं हुई है, वो लड़ाई हुई है लैंड और पावर के लिए सारे लोगों में। मुझे खाना है काकड़ी। मैं कुछ ये नींबू पानी। तुझे क्या चाहिए? नींबू पानी। तो पियो नींबू पानी। ये दोनों काकड़ी दोनों। कितना इसका? 20 रुपये। 20 रुपये दे दो। और एक जाओ। नहीं नहीं बस हो गया। मुझे लगता है हम रास्ते से भटक गए। हम शूट करने आए थे इंडियन हेरिटेज सागा, अभी यहाँ पर इंडियन फूड सागा होने वाला है। हर जगह पे हम फूड ही दिखा रहे हैं, बट फूड देखने में आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, अगर मैं जहाँ पर भी रहूँगा फूड तो रहेगा ना, वहाँ पर चाय भी रहेगी वहाँ पर। तो ऐसे चलते चलते जो भी रास्ते में आएगा सब दिखाते जाएंगे आपको। ज़रूरी थोड़ी है कि मतलब सिर्फ हेरिटेज ही दिखाएं। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? No, not nice. अलग से। चलिए जी, चलते हैं यहाँ से। तो मैसूर में रुकने का प्लान है जैसे कि मैंने आपको बताया था, और यहाँ से और आधा घंटा लगेगा हमारे होटल तक पहुँचने के लिए। होटल अभी तक फाइनलाइज नहीं किया है, मैडम ढूंढ रही है, सुबह से ढूंढ ही नहीं पाया होटल है। जैसे कुछ और काम ही नहीं था। ये काम तो था होटल ढूंढने का। अच्छा, बस और कुछ काम नहीं था। ये है जी आज का हमारा स्टे। घर जैसा माहौल है यहाँ पर। एक छोटा सा क्या बताओ, छोटा सा क्या? लिविंग रूम। लिविंग रूम, हाँ लिविंग रूम छोटा सा। और यहाँ पर फ्रिज है, सामने छोटा सा किचन, राइट साइड में कमरा, लेफ्ट साइड में कमरा, कमरे के अंदर बाथरूम, बाथरूम के अंदर आ रही हो जाएगा। अभी भी जो रिसेप्शन में था हमें कहा कि यहाँ पर पूरे मैसूर में लाइटिंग है, दशहरा के लिए स्पेशल लाइटिंग यहाँ पर की गई है। तो मे बी शायद हम खाना खाने के बाद एक टहलने के लिए निकलेंगे, रात को देखेंगे, क्योंकि लाइटिंग है तो रात को ही देखना पड़ेगा, है कि नहीं? मिलते हैं थोड़ी देर बाद। इनसे मिलो जी, ये है हमारे नए दोस्त रूबी। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, सब जा रहे खाना खाने के लिए, क्योंकि खाना खाने का टाइम हो चुका है जी। दिन में एक बर्गर खा के जिंदा है, 9:30 बज रहे हैं, मौसम ठंडा है, मौसम तो बढ़िया है एकदम। यार हुडी नहीं लिया मेरा, चलेगा। तेरी चड्डी में से जो हवा घुसेगी ना उतना भी ठंडा नहीं है, लद्दाख थोड़ी ना कि चड्डी से फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा है। ठीक है, चलो देखते हैं कब तक इसकी चड्डी इसको बचा पाती है। थैंक यू। लेमन ट्री में खाएंगे। मैंने पहले बोला बिरयानी खाते हैं, बिरयानी क्यों मना किया? जिसने ऑर्डर लिया ना उनकी स्पीड इतनी मजेदार थी, इतनी सही थी, उसको हमें शूट करना चाहिए था। वो मूवी में होता ना मसाला डोसा चना डोसा मसाला डोसा फट 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 पूरा मेन्यू, और ज्यादा टाइम लास्ट में ऑर्डर हो गया, ज्यादा टाइम बोल रहे बस इतना काफी, बाद में देखते हैं निकल गए। मतलब ये जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसे बंदे मिले जो सामने से कह रहे कि बस इतना बस है अभी, फिर बाद में बताता हूँ। उनको भी समझ में आ गया कि इतने में खाना हो जाएगा। ये है जी लेमन चिकन, पकड़ना थोड़ा सा, रिव्यू देंगे। कुछ है नहीं, नॉर्मल गार्लिक बटर नान, बटर नान अलग से क्यों दिया? अगर आप जैन होते तो है ना। मुर्ग लाहौर मसाला और ये बटर गार्लिक नान। ठीक है जी, फिनिश कर लेते हैं फिर वापस मिलते हैं। ओए जी, खाना खा के हो गया, अब चलते हैं पैलेस के पास। पैलेस वैसे अभी तो बंद है लेकिन देखते हैं, काफी सुने हैं लाइटिंग अच्छी हो रही है वहां पर, तो देखते हैं। सुंदर सुंदर सुंदर, अति सुंदर, बड़ा मस्त दिख रहा है यहाँ से। काफी बड़ा है ना ये,
palaces in India. One of the largest palaces. Research team full on. यहाँ पर टाइमिंग भी लिखा हुआ था इसका, मैसूर पैलेस बोर्ड 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। यहाँ पर वैसी लाइटिंग नहीं हो रही है जैसा हम लोग सोच रहे थे, बट लाइटिंग तो है। और क्या है, पर रात को लोग देखने के लिए भी आते हैं। नेचुरल लाइटिंग ही है वो, मतलब अच्छा उसी की है वो, दशहरे के लिए नहीं की। तो कल दिन में भी आके एक बार चेक करेंगे दिन के उजाले में। और अभी यहाँ पर इसको देखने के लिए देखो लोग, लोग देखो भाई बहुत पब्लिक रुकी हुई है यहाँ पर सब जगह पे। अब क्या पूछ रहा था वो, तो गांव जाना था और उसे थोड़े पैसे चाहिए थे, तो मैंने थोड़े पैसे उसको दे दिए। नहीं वो लोग ऐसे ही करते हैं यहाँ। अच्छा हाँ, गांव जाने के लिए पूछते हैं, पर शराब पी के इधर देखो, इधर से सीधा बाहर जाएगा उधर पिएगा। अच्छा, 20 रुपया मांगना दे दिया, जो उसके घर नहीं देता था उधर चिपका हुआ रहता। रात को आ रहे तो किसी को पैसा मत देना। और राइट, व्लॉग देखने में मज़ा आया तो यही मज़ा पूरे हिंदुस्तान को देने के लिए निकला हूँ मैं। नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी सब एकदम बढ़िया है। थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ द डे, आई विल सी यू सून। आई लव यू, बड़े करके वापस लिव लाइफ लिव योर ड्रीम। वापस दे, वापस लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम, इट्स द साउंड ऑफ सोल इन मी लिव योर ड्रीम। Oh, oh, you in and what you believe. ये सेक्सी कैसे हुआ? अरे ऐसा लग रहा है कहीं और ही आ गए हैं। हाँ, लेकिन ये सेक्सी कैसे हुआ? हाँ? ये पहाड़ को देख के कोई भी चीज को क्यूट बोलती है, कोई भी चीज को सेक्सी बोलती है, कोई सेंस नहीं है तेरा। क्या सेक्सी है इसमें, पहाड़ में क्या सेक्सी है? खूबसूरत बोल सकते हैं, अद्भुत बोल सकते हैं। इट्स अ पीस ऑफ रॉक। इट्स अ पीस ऑफ रॉक, बट देन व्हाई इज इट सेक्सी? बट केव सेक्सी? अच्छा केव सेक्सी हो सकता है।